विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का और विश्व के जो सबसे बड़े नेता है, अगर सब नेताओं को लाइन में खड़ा किया जाए विश्व के, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज योग्यता के और लोकप्रियता के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 78% से पूरे विश्व में आज उनकी गारंटी का लोहा सारा विश्व मानता है। दोस्तों, आपकी इस बेटी को, आपकी इस बहन को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। और जो लोग कहते हैं कि हम सिराज में डेंट करेंगे, हमारे हमारे जो माननीय और नेता प्रतिपक्ष जो है जयराम जी जो है, इन्होंने कभी भी हमारे जो हिमाचल के किसी भी क्षेत्र को अपना पराया कभी नहीं समझा। ये ऐसे देश में हमने 37,000 वोटों की बढ़त इस विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के लिए हासिल की थी। उस आंकड़े से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, मुझे कई लोगों ने डायरेक्टर कहा हुआ है और कुछ लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं कि ये जो सारा तो हम डायरेक्टर, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हमने हिमाचल प्रदेश में ईमानदारी से 5 साल तक लोगों की सेवा की और उस काम को आज लोग याद करते हैं। और उसी तरह से मैं इस बात को कह रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की सेवा की है, आज लोग उनको हमेशा अपने दिल दिमाग पर जो है पलक पावड़े बिछा करके उनको याद करते हैं। मैं यही कहूँगा कि कंगना रनौत जी आज से पहले फिल्म जगत में काम किया और फिल्म जगत में उन्हें एक पहचान बनाने में सफलता हासिल की। अब राजनीति में आई हैं तो निश्चित रूप से राजनीति में भी एक मुकाम को हासिल करेंगे, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से। और कुछ लोग यहाँ पर ये कहते थे कि पहले तो कहते थे हमें समस्या बताइए, हमें सुझाव दीजिए। जब लोगों ने सुझाव दिए, समस्या उनको बताई सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि हम डाकिया नहीं है। और यहाँ कंगना जी ने कहा कि मैं आपकी डाकिया बन करके काम करूंगी, आपकी समस्याओं के समाधान करने के लिए आपके बातों को, आपके मुद्दों को दिल्ली तक पहुंचाऊंगी। यही मुझे लगता है कि एक सही प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधि का एक दायित्व है। इस दायित्व को निर्वहन करने के लिए कंगना जी ने बात कही है। एक